गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो दिस इज डे 4 और आप पीछे मेरे देख ही सकते हैं हम आ गए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट कनेक्टेड मोटरेबल रोड पर जो कि है कॉमिक के अंदर और बहुत ही ज्यादा पब्लिक हो रहा है यार। यहां तक गाड़ी टच करके ले आए हैं और इट्स एन रियली अमेजिंग फीलिंग। और यहां तक की जर्नी हमारी टाबो से जहां से हमने स्टार्ट करा था जहां की अजीम वादियां थी, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, छत से इतना अच्छा व्यू था, पीछे मोनेस्ट्री थी और हेलीपैड था वहां पर, तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ज्यादा ना बोलते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने टापो से यहाँ तक की जर्नी और उससे आगे की। सो लेट्स गो। मेन मार्केट से 950 मीटर्स की दूरी पे ये केव्स का रास्ता, तब यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे और हमारे साथ ज्वाइन कर लिया गैंग ने तो चलिए केव्स में लेके चलते हैं। ओके गाइस, सो इस टाइम हम केव के अंदर हैं और आई थिंक 2000 साल से पुरानी जितनी ये केव्स बनी हुई है यहाँ पर माउंटेन पे है। यहाँ से पूरा नीचे टाबो विलेज नज़र आता है और काफ़ी हाइट पर है। बेसिकली बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उन ये यहाँ पर आके उस टाइम पे मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे और आज भी इसको मेडिटेशन के लिए ही यूज़ करा जाता है। कुछ टाइम पर जब केव्स में वो मेडिटेशन के लिए आते हैं तो जो बाहर छोटे छोटे और केव्स भी हैं वहाँ पर फ्लैग्स लगाए होते हैं, तो फ्लैग्स लगाने का रीज़न ये होता है कि उससे ये पता लग जाए कि अंदर कोई मॉन्क जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। केव है इसकी बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो मड लगी हुई है, मड से इसको मतलब बेसिकली बना रखा है, इट्स काइंड ऑफ अ मड हट, और जो इसके ऊपर वुडन काम करा हुआ है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इतना पुराना है वो। प्लस साथ में अंदर दो मेडिटेशन पॉइंट हैं बेसिकली, जहाँ पे पता लग रहा है कि कारपेट पड़ा है, एक बॉक्स है पीछे आई थिंक जहाँ पर बैठ के जो मॉन्क्स है मेडिटेशन करते होंगे यहाँ पे। गाइस पीछे है केव्स, जो और छोटी छोटी केव्स है डेंस, सो एक बार कोशिश करते हैं वहाँ पे एंटर करने की, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे देखिए अंदर आई थिंक केव में उन्होंने मेडिटेशन के लिए ऐसे मंदिर भी बना रखा है। सी ये आई थिंक पूजा करते हैं, ये आई थिंक थंका पेंटिंग है। गाइस सी ये एक और केव है, इसके अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं क्या देख सकते हैं। ये देखो ये ऊपर रूफ देखो इसका एकदम काला हो रखा है बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पे फायर वगैरह का कुछ ये जलाते होंगे इसलिए ऐसा हुआ है। ये आई थिंक मेडिटेशन पॉइंट या स्लीपिंग एरिया है। गाइस केव्स इतनी अमेजिंग है ना, मतलब एक अच्छे पॉइंट पर हैं हम। बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की, टाबो विलेज के ही हाफ पोर्शन में सनलाइट आ रही है और हाफ पोर्शन के अंदर क्लाउड से कवर है वो, और इतनी हाइट से ना ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि आप सारी जगह पे निगरानी रख सकते हो। इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब इट्स वर्थ कमिंग, ऑनेस्टली इट्स वर्थ कमिंग। चढ़ते हुए आए थे केव्स को देखते हुए, तो केव्स के पीछे जो ये छोटा सा काइंड ऑफ स्तूपा बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट सिग्निफाइज बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन बिटवीन दी माउंटेन्स। सो गाइज इस टाइम हम बैठे हैं एक केव के अंदर और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इफ़ यू वॉन्ट पीस आई थिंक यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। ओके सो दिस इज इट फ्रॉम टाबो केव्स, सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। अब यहाँ से चलते हैं वापस होटल की तरफ, रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे मोनेस्ट्री। ओके गाइस, तो ये भाई हमें चितकुल में मिले थे एंड चितकुल से हम यहाँ पर टाबो आए हैं, तो टाबो में भी हम मिल गए हैं एंड ही इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात ऑन हिज स्कूटी। यू कैन सी भाई गुजरात से आए हैं, नंबर भी स्पेशल है 0007। सो भाई क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको यार इतनी हिम्मत इतनी दूर से? बढ़िया, बस महादेव की मेहरबानी है, बढ़िया सफर कट रहा है। अच्छा चलो नाइस है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब आगे क्या प्लान है आपका? बस यहाँ से अब जाऊँगा काजा, काजा से जाऊँगा लद्दाख, लद्दाख से बाद में अमरनाथ दर्शन करके
अरे वाह क्या बात है जी, क्या बात है। चलो क्या प्लान बनेगा वो महादेव की मेहरबानी। चलो ठीक है, ठीक है भाजी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मोटा भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। टेक केयर है। ओके तो गाइस ये हमारा रूम है टाबो के अंदर, हिमालयन कैफे है नीचे, उन्हीं के ओनर का ये होटल है। इसके ऊपर हमारे पास टेरेस भी है, वहाँ जा सकते हैं। चारों तरफ के जो पहाड़ है वहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं व्यू। दिस इज द बेड एंड रूम इज रियली क्लीन, मैट्रेस है एक्स्ट्रा, विंडो भी है फॉर सब अगर सफोकेशन ना वैसे तो होगी नहीं इतनी ठंड लगी है। एंड दिस इज द बाथरूम विच इज वेरी क्लीन एंड हाइजीन, गीजर इज ऑल्सो देयर क्योंकि टैबो में ठंड है और हमें चाहिए होगा। सो चलते हैं अब हम। तो गाइस अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमने मंगवाया सैंडविच और पराठे, तो इसके बाद हम निकलेंगे मॉनेस्ट्री की तरफ, तो अभी हम खा के फटाफट वहीं चलते हैं। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं टाबो मॉनेस्ट्री के अंदर, और टाबो मॉनेस्ट्री काफ़ी पुरानी है, काफ़ी हाइट पे बनी हुई है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन 996 CE एज पर तिब्बतन ईयर। और जैसे कि हम नाको विलेज गए थे और वहाँ पे भी हमने मॉनेस्ट्री देखी थी, तो वही मॉनेस्ट्री जिसमें हमने आपसे 108 मॉनेस्ट्री की बात करी थी, तो यहाँ पर भी वो मॉनेस्ट्री उन्हीं से द्वारा जो है बनाई गई है। और रिंगचेंग ज़ानपो ने इसको जो है बनाया था, तिब्बतन बुद्धिस्ट जो ट्रांसलेटर थे, सो उन्होंने बनाया गया था इसको यहाँ पर। और काफ़ी सुंदर है, देखो यहाँ है ना बिल्कुल ये मड से बनाई गई है। दिस इज़ दी ओल्ड मोनेस्ट्री, इसका नया वर्जन 1975 में जब अर्थक्वेक आया था तो 83 में कंस्ट्रक्ट करा गया था नया वाला साइड जो इसके इस साइड है, और ये वाले पुरानी साइड है इसकी। और लिटरली ना थोड़ा एकदम रॉ और डेजर्ट टाइप एरिया भी है, वैसे ही उसी तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके गाइस, सोना मैं अंदर होकर आया हूँ, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, जो पीछे द गोल्डन टेंपल भी है। एक्चुअली गौतम बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है अंदर जो क्राफ्टिंग करी हुई है, उसके अंदर ये बताया कि अंदर 33 स्टैचूज है डिफरेंट डिफरेंट, और इनके जितने भी और देवी देवता होते हैं उन सब की भी है। जैसे अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम वो चल रहा है गौतम बुद्ध का, उसके आगे मैत्रेय करके हैं, उनके बाद उनका जो है फ्यूचर का टाइम चलेगा, तो फ्यूचर बुद्धा वो हैं, करंट बुद्धा इज़ गौतम बुद्धा। तो ये हमें अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली है, और बहुत ही सुंदर है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन जो आपकी आंखें ग्रैप्स करती है ना यार, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब आओगे तो देखना ज़रूर गाइस। तो ये पीछे का एरिया है सारा जो गोल्डन टेंपल बना हुआ है सरखांग, इसके पीछे सारी ये पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं। कैसा लग रहा है जसमीत? बहुत बढ़िया। जो नाको टेंपल में था जो वहाँ के स्तूपा थे वो थे वाइट कलर के अंदर, और ये मड से कर रखे हैं, तो मतलब ये सारा एक जैसा करा हुआ है एकदम। हाँ। इजिप्ट वाली फील्स है, इजिप्ट एक्चुअली। और पीछे से देख रहे हो ये मेन टेंपल की बैक साइड है, ये वो गोल्डन टेंपल, और पीछे से ये स्तूपास बना रखे हैं। कैसी लगी अंकित तेरे को मोनेस्ट्रीज? मोनेस्ट्री ये तो डिफरेंट है काफी, ये देख के इजिप्ट नहीं लग रहा ये। अच्छा कब गया था इजिप्ट? ओए चले जाएंगे क्या बात सही बताओ गाइस, ये टैबो मॉनेस्ट्री के एकदम बाहर मैंने स्तूपा देखा है, और ये अभी तक का मेरा सबसे बड़ा स्तूपा जो है मैंने अभी देखा है। तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और कितना अट्रैक्टिव है। गाइस साथ में ही ताबो मोनेस्ट्री के दाचिन मोनेस्ट्री है, और वहाँ पे भी गौतम बुद्धा की बहुत सुंदर मूर्ति है। आप आएँ तो दोनों साथ में ही देखना, मोनेस्ट्री है ताबो मोनेस्ट्री, बीच में स्तूपा बना है बहुत सुंदर सा, साथ में ही दाचिन मोनेस्ट्री है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हम ये जा रहे हैं यहाँ पे टाबो के हेलीपैड की तरफ, तो एक ज़रा गोल चक्कर मार के आते हैं। सो लेट्स गो।